1943 में बंगाल में फैमीन आया, जिसमें देखो 38 लाख लोगों की जान चली गई। चार साल बाद देश आजाद होता है, लेकिन भुखमरी की प्रॉब्लम के साथ 1954 में भी देश के पास सफिशिएंट अनाज नहीं था लोगों का पेट भरने के लिए। मजबूरी में उसी साल इंडिया ने यूएस के साथ PL-480 प्रोग्राम साइन किया, जिसके थ्रू इंडिया यूएस से वीट इंपोर्ट कर सका। और देखो जब जब एक जहाज वीट का आता था ना, बहुत बड़ी हेडिंग छपती थी न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेज पे खबर आती थी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि यूएस ने PL-480 प्रोग्राम के तहत हमें जो अनाज दिया ना, वो इवन पिग्स के लिए भी खाने लायक नहीं था। इसके बाद 1959 में एक यूएस के एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन की टीम भारत में आती है और इंडिया में फूड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ सुझाव देती है, जिसमें से एक सुझाव था MSP, यानी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। और देखो यहीं से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर सब्सिडी की। फिर 1960s में इंडिया में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, वो सही मायनों में एक जबरदस्त रेवोल्यूशन था। भारत फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हुआ। और देखो 1972 में सिचुएशन ये आ गई थी कि वो पंजाब तो भारत के टोटल एरिया का सिर्फ 1.53% था, वो भारत के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 70% कंट्रीब्यूट कर रहा था। देखते ही देखते इंडिया नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर हो गया। पिछले साल इंडिया ने ना $53 बिलियन की कमाई की है फार्म एक्सपोर्ट करके। लेकिन अभी तक हमने जो जाना ना, वो देखो सिर्फ स्टोरी का एक पार्ट था, बट क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वो पंजाब जो 1972 में इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 70% कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो पंजाब देखो उसी एग्रीकल्चर सब्सिडी की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार डेजर्ट बनने वाला है आने वाले 25 सालों में। लेकिन देखो इस सिचुएशन में आखिरकार हम कैसे पहुंचे, कैसे वो एग्रीकल्चर सब्सिडी जिसने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड ग्रेन्स के मामले में, आज उसी एग्रीकल्चर सब्सिडी की वजह से एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन देखो वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज, इस बात पे देखो किसी का भी कोई डाउट या संदेह है ही नहीं, हमारे देश में फार्मर्स की वेलफेयर सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए देश में एग्रीकल्चर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। इस चीज में कोई डाउट नहीं है, डाउट है तरीके पे। सरकार जो तरीका अपना रही है एग्रीकल्चर सब्सिडी का, क्या वो सही है फार्मर्स की वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए या नहीं, उस पे हम डिस्कस करेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। वीडियो की हम स्टार्टिंग करें उससे पहले देखो एक चीज जानना जरूरी है, एग्रीकल्चर सब्सिडी आखिरकार होती क्या है और इसे क्यों फार्मर्स को देना जरूरी है। एग्रीकल्चर सब्सिडी देखो एक तरह का ना इंसेंटिव या असिस्टेंस होता है जो सरकार फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके, फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया जा सके और खेतों में जो फसलें पैदा होती है ना उसकी सप्लाई और उसकी कॉस्ट को मैनेज किया जा सके। एग्रीकल्चर सब्सिडीज देखो काफी तरह की होती है, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, वाटर पर दी जाने वाली सब्सिडी, पावर सब्सिडी, क्रेडिट सब्सिडी, इसके अलावा इरिगेशन में भी सरकार के द्वारा सब्सिडी यानी असिस्टेंस दी जाती है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे, बट एक बार आप ये जानिए कि सब्सिडी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल देखो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने ना इंडिया के फार्म सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद 1943 में बहुत बड़ा फैमीन आया, जिसमें देखो 40 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। मतलब जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे किसानों के पास ना तो अच्छे बीज थे, ना ही फर्टिलाइजर्स, ना ही पेस्टिसाइड्स का एक्सेस था। ऐसी सिचुएशन में देखो बल्कि सरकार के लिए ना विदेश से सस्ता अनाज मंगवाना ज्यादा आसान पड़ रहा था। लेकिन देखो ये कब तक चलता, 1960 के दशक में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि 1965 में फूड ग्रेन्स की कमी ने देश को झकझोर कर रख दिया। अब आप सोचिए एक ऐसा समय था वो जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जनता से ये अपील करनी पड़ी कि भाइयों और बहनों अगर हो सके तो दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करें। इसी संकट ने देखो जन्म दिया भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन को। इस रेवोल्यूशन के सूत्रधार बने उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम। उनका प्लान था दो मुख्य पॉइंट्स पे, पहला टेक्नोलॉजी का उपयोग और दूसरा किसानों को एंकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन। उन्होंने देखो ये सोचा अगर हम हाई यील्ड देने वाले बीज और बढ़िया क्वालिटी की खाद किसानों को दें और साथ ही साथ उन्हें ज्यादा उत्पादन के लिए प्रेरित भी करें, तो क्या हमारे देश में ज्यादा फूड ग्रेन नहीं पैदा होगा। ये था देखो वो बीज जिसने जन्म दिया भारत की एग्रीकल्चर सब्सिडी को। अब आप सोचिए एक किसान पहले जो सिर्फ अपने परिवार के लिए फूड ग्रेन पैदा करता था, उसे अब पता चला कि अगर वो ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करेगा तो सरकार उसे ज्यादा पैसा देगी। उसके पास अब अच्छे बीज थे, अच्छी खाद थी और मोटिवेशन भी। तो नतीजा ये हुआ
धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे, गोदाम अनाज से भरने लगे और भारत ने ना सिर्फ अपनी फूड ग्रेन संबंधित जरूरतों को पूरा किया बल्कि देखो इंडिया फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करने लगा। लेकिन देखो कहानी खत्म यही नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता गया एग्रीकल्चर में सब्सिडी का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ता गया। शुरुआत में सरकार ने सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी खाद खरीदने के लिए किसानों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, यानी सब्सिडी दी थी। बट अब ना सिर्फ देखो बीज और खाद बल्कि बिजली पानी डीजल और यहाँ तक कि फसल बीमा तक पर सब्सिडी मिलने लगी। आज भारत सरकार हर साल लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कृषि सब्सिडी पर खर्च कर रही है। लेकिन देखो ये कहानी का आधा पार्ट है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ देखो एग्रीकल्चर सब्सिडीज ने भारत को फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, वहीं देखो दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज ने कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। वैसे तो देखो एग्रीकल्चर सब्सिडी को ना मोस्टली इकोनॉमिस्ट इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ना इससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि भारत सरकार जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा खर्च कर रही है और वो भी लोन लेकर। आज गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 16 लाख करोड़ है जो कि देखो टारगेट से बहुत ज्यादा है। पर देखो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सब्सिडी के उस पहलू की इंडियन एग्रीकल्चर को ही खत्म कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, जिस सब्सिडी को हमने किसानों की मदद के लिए शुरू किया था आज वही एग्रीकल्चर सब्सिडी देश को ऐसे संकट की तरफ ले जा रही है जिसे देखो किसी इम्पोर्ट से टैकल नहीं किया जा सकता। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो मुख्य रूप से ना 3 बड़ी सब्सिडीज दी जा रही हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजर सब्सिडी, नंबर 2 पावर सब्सिडी, नंबर 3 MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंडिया के देखो सेकंड बिगेस्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी है जिसके लिए इंडिया 2.5 लाख करोड़ खर्च करता है और उसमें भी इंडिया को इंपोर्ट करना होता है। पर देखो किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं और इंडियन सॉइल के लिए ना न्यूट्रिएंट्स की रेशियो 4:2:1 होनी चाहिए, यानी नाइट्रोजन 4:1 में, फॉस्फोरस 2:1 में और पोटेशियम 1:1 में। ये प्रोपोर्शन रिकमेंड किया गया है NPK का। और 1960 में ना बिना फर्टिलाइजर के 1 हेक्टेयर से 710 किलोग्राम प्रोड्यूस होता था जो फर्टिलाइजर के यूज करने के कारण 2238 किलोग्राम तक पहुंच गया। पर देखो नीति आयोग के मुताबिक एवरेज NPK रेशियो इंडिया में अब 8:3:1 है, यानी कि इंडिया के किसान बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो सोयल है उसकी pH वैल्यू कम हो रही है या फिर यूं बोले सोयल एसिडिक हो रही है और एसिडिक सोयल बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल हो रही है और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वीट और राइस यील्ड लगातार कम हो रही है। पर देखो उससे भी बड़ा खतरा ह्यूमंस को है क्योंकि स्टडी ने बताया कि कैसे यूरिया के एक्सेसिव यूज की वजह से लोगों में ना कैंसर की समस्या पैदा हो रही है। अब हम बात करते हैं पावर सब्सिडी की, जिससे नुकसान देखो इंडिया के वाटर को हो रहा है और ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब हरियाणा के आगे निकलने का कारण यही था कि यहां के किसानों को ना पावर में सब्सिडी दी गई थी और फार्मर्स ने इसका ना जमकर इस्तेमाल किया। पंजाब में पावर सब्सिडी के लिए स्टेट GDP का 10% एलोकेट किया जाता है जबकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 8% एलोकेट किया गया। यानी कि देखो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भले पिछड़ जाए पर पंजाब में भर भर के ग्राउंड वाटर निकाल के खेती में जरूर यूज होगा। नीति आयोग के मुताबिक 109 ब्लॉक्स जो हैं वो डार्क जोन में हैं और कई डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर का लेवल 30 मीटर से नीचे जा चुका है और पंजाब में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परसेंटेज सबसे ज्यादा है 164%। यानी कि अगर 100 लीटर वाटर रिचार्ज हो रहा है तो 164 लीटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब लोग खाने के बारे में बाद में सोचेंगे लेकिन पानी के लिए तरसते दिखेंगे। अब देखो बात करते हैं MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एक तरीके की देखो गारंटी दी जाती है फार्मर्स को कि अगर किसान कोई क्रॉप उगाता है और वो मार्केट में बेचने जाता है लेकिन अगर उस क्रॉप की मार्केट प्राइस किसान के इनपुट कॉस्ट से कम होती है तो सरकार एक प्राइस डिसाइड करती है जिसमें वो उस फसल को खरीद लेती है ताकि किसान को कोई नुकसान ना हो। MSP की चर्चा आज सबसे ज्यादा होती है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। अभी हाल ही में थाईलैंड ने WTO में इंडिया की MSP को टारगेट किया है ये बोल के कि इंडिया अपने एक्सेस फूड ग्रेन्स को इंटरनेशनल मार्केट में डंप कर रहा है और इंडिया में MSP को लेकर किसान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें MSP की लीगल गारंटी चाहिए। पर गवर्नमेंट को देखो इसे 10 लाख करोड़ का खर्चा हो जाएगा, गवर्नमेंट कह रही है कि ये फिजिबल नहीं है। इस पे देखो एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। बट देखो MSP की कॉस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है MSP का एग्रीकल्चर में इंपैक्ट, क्योंकि MSP के कारण ना इंडिया में मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न डोमिनेट हो गया है। यानी कि हर किसान MSP पाने के लिए सिर्फ वीट और राइस ग्रो कर रहा है क्योंकि 63% MSP सिर्फ राइस और वीट की क्रॉप पर यूज हो रही है और उसमें से भी सिर्फ 6% फार्मर्स ही MSP का लाभ उठा पा रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही फसल को बार बार उगाने से ना सोयल लगातार डिग्रेड हो रही है क्योंकि सोयल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं और कार्बन मैटर हैं जो देखो डिप्लीट हो रहे हैं। बट देखो समय के हिसाब से रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं जो कि देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से होता है और
इससे क्रॉप की पैदावार भी इंडिया की कम होती जा रही है। अगर देखो इसी प्रकार से चीजें चलती रही, क्रॉप की पैदावार कम होती रही, तो देखो आने वाले समय में देश के लोगों का पेट भरना मुश्किल साबित होगा। बट देखो किसान मोनोक्रॉपिंग के बजाय पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट क्रॉप्स, अगर ये सब भी उगाएं, मतलब क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें ना, तो सोयल फिर से न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो जाती है और सोयल का जो नाइट्रोजन लेवल है वो भी बैलेंस रहता है। और इकोनॉमी के नजरिए से अगर हम देखें तो पल्सेस की जो क्रॉप है ना उसको प्रमोट करने में बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया ना 14% पल्सेस इंपोर्ट कर रहा है, जो कि देखो 6 साल में सबसे ज्यादा है। मतलब पल्सेस जितना इंडिया में कंज्यूम होती है उसका 14% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और इसमें देखो आपको पता है फॉरेन करेंसी भी जाती है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। तो पल्सेस को अगर किसान ज्यादा उगाएं तो हर तरफ से फायदा है। तो ये सारे पॉइंट्स सब्सिडी के अगेंस्ट तो हमने डिस्कस कर लिए। हालांकि देखो सब्सिडी को एलिमिनेट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार एवरेज तौर पर हर एक किसान परिवार पर 1 लाख से ज्यादा का डेट यानी कर्ज है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक हर दिन 154 किसान सुसाइड से मर रहे हैं, काफी दुखद है। तो अगर हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया विश्व गुरु तो छोड़ो, इंडिया का सर्वाइव होना भी मुश्किल हो जाएगा। जब यूक्रेन रशिया वार के बाद फूड शॉर्टेज हुई थी तब सारी कंट्रीज ने इंडिया को ही अपनी लास्ट होप कंसिडर किया था, क्योंकि इंडिया के फार्मर्स ने इतना प्रोड्यूस कर दिया था कि वो ना सिर्फ इंडिया का पेट भर सके बल्कि मुश्किल भरी सिचुएशन में दूसरे देशों को भी फीड कर सके। पर देखो हमें ना हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडी को रेशनलाइज करना होगा। आज के समय में आप यूएस और चाइना का एग्जांपल लीजिए, ये जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं ना उसका एक बड़ा हिस्सा R&D पे खर्च होता है, टेक्नोलॉजी पे खर्च होता है, इनोवेशन पे खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। लेकिन आप कंपेयर करोगे इंडिया से, इंडिया में देखो एग्रीकल्चर R&D पर खर्च होते हैं सिर्फ 8,000 करोड़ और 2,50,000 करोड़ अकेले इंडिया में खर्च होते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। तो रिजल्ट ये निकलता है, जहां देखो यूएस और चाइना जैसे देशों में पर हेक्टेयर फसलों की पैदावार ज्यादा है, बट इंडिया में पर हेक्टेयर फसलों की पैदावार काफी ज्यादा कम है। इंडिया में ना तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन आ पा रहा है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो पा रही है, ना इरिगेशन में कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। देखो बहुत सारे देश, आप जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लीजिए, आप अर्जेंटीना का एग्जाम्पल लीजिए, ये तबाह हो गए इरेशनल एग्रीकल्चर सब्सिडी की वजह से। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां पे देखो एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हुआ, पूरी गवर्नेंस कोलैप्स हो गई। लेकिन देखो श्रीलंका छोटा देश था, श्रीलंका संभल गया, IMF ने बेल आउट पैकेज दिया और श्रीलंका संभल गया। लेकिन भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर कोलैप्स हुआ तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी त्रासदी होगी। लेकिन सरकार को अभी स्टेप्स लेने होंगे एग्रीकल्चर के हित में, किसानों के हित में, देश के हित में। नमस्कार दोस्तों, एक इशू देखो आज हमने शुरुआत में ही कवर कर लिया एग्रीकल्चर सब्सिडी से संबंधित, किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं वो नुकसान पहुंचा रही हैं एग्रीकल्चर को। डेट आज की 10 अगस्त है। दो और इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये बीच में जो बड़ा आर्टिकल है, रिफ्यूजी राइट्स द जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये रीन ऑफ कैओस वाला है, बांग्लादेश में किस प्रकार से माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है उससे संबंधित आर्टिकल है। वैसे बांग्लादेश के आर्टिकल हमें नहीं डिस्कस करना था, लेकिन माइनॉरिटीज का जो एंगल है वो है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज तो बांग्लादेश का इशू हम इनफ डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो आज के डिस्कशन में नेक्स्ट आर्टिकल रिफ्यूजी राइट्स एंड जेंडर्ड नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आरूसी मलिक के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो सबसे पहले इस आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले ना इमेजिन करो कि आप ना अपने घर में चैन से रहते हो, लेकिन अचानक से आपके शहर में ना युद्ध स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई अचानक से नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। अब आपको ना मजबूरन अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। यही चीज है डिस्प्लेसमेंट। जब लोग ऐसे किसी दूसरे देश में शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं, तो उन्हें बोला जाता है रिफ्यूजी। समझ गए डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, रिफ्यूजी का क्या मतलब है। देखो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के हिसाब से 2023 के अंत तक दुनिया में ना लगभग 11.73 करोड़ लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस हुए थे। फोर्सफुली मतलब मजबूरी वश। इसमें से देखो 3,76,00,000 रिफ्यूजीज थे। कहने का मतलब ये है 11,73,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन सबको अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन
इसमें से ना 3,76,00,000 लोगों को इवन अपना देश भी छोड़ना पड़ा। रीजंस काफ़ी हैं डिस्प्लेसमेंट के और रिफ्यूजी बनने के। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, युद्ध स्टार्ट हो गया, जैसे इसराइल और हमास के बीच का युद्ध है। गाजा स्ट्रिप में कितने जो लोग हैं इसराइली स्ट्राइक्स की वजह से डिस्प्लेस हो गए, उन्होंने उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उसी वजह से गाजा स्ट्रिप के साथ लगता जो इसराइल का एरिया है वहां पे भी देखो बहुत सारे इसराइलीज को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। रशिया यूक्रेन वार देख लीजिए, म्यांमार में रोहिंग्या रिफ्यूजीज के ऊपर अत्याचार होता है तो इस वजह से बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं वो भागकर बांग्लादेश में आ गए, कुछ भारत में भी आए और अलग अलग देशों में चले गए। अगर देखो इस संदर्भ में हम इंडिया की बात करें ना, ऐतिहासिक रूप से इंडिया रिफ्यूजी रिसीविंग देश रहा है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से ही अलग अलग देशों से रिफ्यूजीज भारत में आए हैं और आज़ादी से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 2,00,000 से ज़्यादा रिफ्यूजीज को शेल्टर हमने दी है। 31 जनवरी 2022 तक 46,000 रिफ्यूजीज और एसाइलम सीकर्स रजिस्टर्ड थे UNHCR इंडिया के पास में। ये जो बॉडी है ना UNHCR, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। वो लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं और जो रिफ्यूजी बन चुके हैं उनकी मदद करती है ये बॉडी। तो इंडिया में 46,000 रिफ्यूजी और एसाइलम सीकर रजिस्टर्ड थे UNHCR इंडिया के पास में, और इसमें से 46% तो देखो वुमन थी और लड़कियां थी। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है। आर्टिकल में ये बोला जाता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर आप उसकी ह्यूमन फेस दिखाओगे ना तो डिस्प्लेसमेंट का ह्यूमन फेस आपको वुमन दिखेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज्यादा जो असर होता है ना वो महिलाओं पे होता है। कैसे? सबसे पहले है, पॉइंट्स आप लिख लीजिए, सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड में क्या होगा? रिफ्यूजी वुमन को ना अक्सर बच्चों की, बुजुर्गों की और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है और वो यूजली लास्ट में भागती हैं क्योंकि उन्हें सबकी चिंता होती है। और कई बार देखो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से ना घर में जैसे हस्बैंड की या फादर की डेथ हो गई तो हुआ क्या, फिर महिला जो है अपने बच्चों के साथ वो जगह छोड़कर भागी और अब नई जगह पर महिला गई। नई जगह पर देखो बल्कि रिस्क ज़्यादा है क्योंकि नई जगह पे ना कोई स्पोर्ट सिस्टम नहीं है। स्पोर्ट सिस्टम मतलब पुरानी जगह पे तो देखो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी होते हैं जो जरूरत के समय मदद करते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी नेटवर्क भी होता है। कम्युनिटी नेटवर्क मतलब मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप रिलाय कर सकते हो मदद के लिए, जो जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं। बट अब जो वुमन रिफ्यूजीज हैं वो नई जगह पे गई, अब उनको वहां पे जानने वाला कोई नहीं है, अब वहां पे उनको काम करना पड़ेगा। पैट्रियार्की है इस वजह से, मतलब कई बार ऐसा होता है कि महिला कम घर से बाहर निकली है कमाने के लिए लेकिन अब मजबूरी में कमाना पड़ेगा, अगर बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों का पेट भरना है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार काम मिलना मुश्किल हो जाता है। और फिर ना आप ना मदद मांगते हो किसी से, आपको पता नहीं लगता कौन आपकी मदद करेगा और कौन आपका फायदा उठाएगा, पता नहीं लगता आपको। कई बार कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मदद के नाम पे आपका एक्सप्लोइटेशन करेंगे। तो कई बार ना जो वुमन रिफ्यूजीज होती हैं वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक चीज है ट्रांजैक्शनल सेक्स, बच्चों का पेट भरना है, मजबूरी है, कोई काम नहीं मिल रहा है, किसी ने ये ऑफर किया कि आप मेरे साथ सेक्स करोगे मैं आपको खाने के लिए दूंगा, पैसा दूंगा, तो ऐसे जाल में, दलदल में कई बार जो वुमन रिफ्यूजीज हैं वो फंस जाती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड रिस्क। पहला जो पॉइंट था वो क्या था? पहला पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड, दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड रिस्क। अब तीसरा जो पॉइंट है वो देखो हेल्थ इंपैक्ट से संबंधित है। ये स्लाइड आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट का ना असर महिलाओं की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आमतौर पर फिजिकल हेल्थ तो दिख जाती है, फिजिकल हेल्थ दिख जाती है तो इस वजह से कोई ना कोई ध्यान दे देता है, लेकिन मेंटल हेल्थ तो दिखती भी नहीं है।
और मेंटल हेल्थ इश्यूज कितनी ज़्यादा फेस करती हैं रिफ्यूजी वुमेन, जैसे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, भाग कर आई तो अभी कैंप में रह रही हैं, कैंप में बहुत तरह की मुश्किलें होती हैं, सेफ्टी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे। तो इस वजह से ना महिलाएं जो हैं वो पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर फेस करती हैं। जैसे देखो आप यहाँ पर देखिए, जो डिस्प्लेस्ड वुमेन है ना उनमें PTSD यानी पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जो संभावना है वो 2 गुना ज़्यादा है, और डिप्रेशन के सिम्टम उनमें 4 गुना ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल काउंटरपार्ट्स, यानी मेल जो डिस्प्लेस हुए हैं। अब आप एक चीज़ देखो, आप भी मानते हो अभी भी ना मेंटल हेल्थ को लेकर ना उतनी अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके। मैं आपको ना एक रिसेंट किस्सा बताता हूँ। एक ना कैब वाले भैया हैं, दिल्ली से नोएडा मेरा जाना होता है तो डेली बेसिस पे वही रहते हैं भैया, तो थोड़ी जान पहचान हो गई, 1 घंटा लगता है तो बीच बीच में बातचीत भी हो जाती है। तो एक दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि ना मेरी वाइफ की जो तबीयत है वो ख़राब है। मैंने पूछा क्या हुआ, कि रात को ना उन्हें नींद नहीं आती, और कई बार तो इवन जो छोटी बच्ची है 3 साल की उनको धमकाना स्टार्ट कर देती हैं वाइफ, और कुछ कुछ बड़बड़ाती रहती हैं, मतलब ऐसी ये वो कैब वाले भैया की वर्डिंग थी, कुछ कुछ बोलती रहती हैं। तो ना फिर मैंने कहा कि देखो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, मतलब देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे इतना ज़्यादा इस इशू का पता भी नहीं है, लेकिन मैंने उनको सलाह दी कि एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद ये डिप्रेशन वगैरह के सिम्टम हैं। तो उन्होंने बात सुन ली मेरी, बाद में वो आए नहीं, तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी वाइफ को लेके गया, वो वाइफ को लेके गए जैसे बाबा नहीं होते, बाबा वगैरह तांत्रिक वगैरह वहाँ पे लेके गए, कई बार कुछ दरगाह पे झाड़ फूँक करवाई जाती है, भूतनी आ गई भूतनी भगाने के लिए। तो उस चक्रों में वो कैब वाले भैया ज़्यादा पड़ गए, तो 10-15 दिन ऐसे बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं आया, बीच बीच में उन्होंने छुट्टियाँ ली, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, अब तबीयत कैसे है। लेकिन फाइनली देखो एक मेरे दोस्त थे, किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम करते थे, तो मैंने ना उनके पास भेजा, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में काउंसलिंग की एक डॉक्टर थी उनके पास भेजा। तो देखो काउंसलिंग की डॉक्टर ने जब पूछा ना उनसे, तो सारे के सारे जो सिम्टम है ना, मतलब डिटेल में उन्होंने पूछा, तो वो डिप्रेशन वाले सिम्टम थे। काफ़ी समय से शहर में अकेले रह के, पहले गांव की ज़िंदगी थी, अभी 2-3 साल शहर में आए, यहाँ पे कोई बातचीत के लिए नहीं है, पूरा दिन अकेलापन, किसी चीज़ की टेंशन हो गई फैमिली में, तो उस वजह से वो सारे के सारे चीज़ें ना डिप्रेशन में एकुमुलेट हो गई, और स्टिग्मा इतना अटैच हो गया कि ये तो पागल हो गई है, इसमें भूतनी आ गई है, अपने आप बड़बड़ाती है, ये होता है स्टिग्मा। अगर आपको स्टिग्मा का मतलब जानना हो तो ये स्टिग्मा था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया उस महिला के बारे में, लेकिन फाइनली देखो वो डिप्रेशन की शिकार थी और अब उनका इलाज हुआ है, पहले से काफ़ी फर्क है। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना राइट्स एंड कन्वेंशंस की बात की जाती है, मतलब रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए क्या क्या राइट्स या फिर कन्वेंशंस हैं। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये देखो UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये जो कन्वेंशन है ना ये साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, और जो प्रभावित पर्संस हैं ना उनके कई उनको कई राइट्स की गारंटी देता है। इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 6 है ना वो स्पेशली वुमन और गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि ना उन्हें मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ रिकॉग्नाइज करता है आर्टिकल 6 इस कन्वेंशन का। इसके बाद आर्टिकल 6 में ये भी बोला गया है कि वुमन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज ये देखो अपने सभी ह्यूमन राइट्स को फुल और इक्वली एंजॉय कर सकें, इसके लिए प्रोविजन करने की आवश्यकता है। अगर इंडिया के रोल की बात करें, इंडिया ने देखो इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, और इंडिया ने देखो 2016 में ना एक कानून भी बनाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये जो एक्ट है ना इसमें मेंटल इलनेस को एक डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में डाला है, और इन्हें भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है, उतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो एक्ट है ना इसका भी सेक्शन 4 यही बोलता है, वो वुमन जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है ना स्टेट इंश्योर करें कि वो अपने राइट्स को बाकियों की तरह फुली एंजॉय कर सकें। ये बात हमारे भारत के 2016 वाले राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में भी बोली गई है।
इवन देखो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का भी यही स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली ये कहता रहा है कि रिफ्यूजीज को भी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ मिलता है, जिसमें राइट टू हेल्थ भी आता है। बट चैलेंज देखो ये है, रिफ्यूजीज ना हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज हमारे देश में वैसे ही लिमिटेड हैं, काफ़ी कम खर्च किया जाता है हेल्थ पे। देश के नागरिकों के लिए ही जब हेल्थ एक चैलेंज है तो रिफ्यूजीज की तो क्या ही बात करें। इसके अलावा और भी चैलेंज हैं, जैसे देखो लीगल फ्रेमवर्क, हमारे देश में ना रिफ्यूजीज के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरा चैलेंज ये है, सरकार जनरली कई बार ये पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाती है ना, तो उसमें से रिफ्यूजीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम सरकार चलाती है या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाती है, उसमें से रिफ्यूजीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आपको पता है बहुत महंगे होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। नए देश में देखो अब कोई दूसरे देश से रिफ्यूजी हमारे देश में आया है, तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर है, कल्चरल डिफरेंस है, ये एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से रिफ्यूजीज देश में इलाज नहीं करवा पाते। और स्टिग्मा का तो मैंने आपको बताया ही, मेंटल हेल्थ इश्यूज के अगेंस्ट रिफ्यूजी कम्युनिटीज में ना स्टिग्मा काफ़ी एग्जिस्ट करता है, और इसकी वजह से रिफ्यूजीज मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज नहीं करवा पाते। लास्ट में सजेशंस दिए जाते हैं, देखो इंडिया जैसे मैंने आपको बताया कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है ना, तो इंडिया 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन में पार्टी है और ना ही 1967 के प्रोटोकॉल में पार्टी है। कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इंडिया में नहीं है रिफ्यूजी से संबंधित, लेकिन आना चाहिए इंडिया को रिफ्यूजी से, स्पेशली वो लोग जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उनके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के लिए देखो वो रिफ्यूजीज जो डिसेबिलिटीज से ग्रस्त है ना, उनके बारे में डिटेल्ड डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। डेटा होगा तभी तो सरकार कुछ बढ़िया पॉलिसी ला पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इन पॉलिसीज, देखो एग्जिस्टिंग जो हेल्थ और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है ना, उनमें रिफ्यूजीज को इंटीग्रेट करो, रिफ्यूजीज को एक्सक्लूड मत करो। नेक्स्ट अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और अवेलेबल सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सबसे लास्ट में जेंडर सेंसिटिव अप्रोच, सारी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं उनमें देखो एक जेंडर सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि ये सरकार को मानना होगा जो रिफ्यूजी वुमेन है ना वो ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं एज कंपेरिजन टू रिफ्यूजी मैन। लास्ट में देखो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी आप अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बोली गई हैं, जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन को इम्पावर करना, जिसमें देखो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड रिफ्यूजीज भी आते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन से संबंधित है, थोड़ा अलग एंगल है, अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड तो आपको पता है, बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, शेख हसीना छोड़कर भारत आ गई एकदम से, प्रोटेस्टर्स लाखों की संख्या में ढाका में आ गए, उनके घर पहुंच गए, ये सब आपको पता है बैकग्राउंड। उसके बाद क्या हुआ है वो देखिए, देखो उसके बाद शेख हसीना भारत में आ गई, उसके बाद मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शायद 2006 में, माइक्रो फाइनेंस के लिए इन्हें मिला था, रूरल एरियाज में बहुत ज़बरदस्त माइक्रो फाइनेंस रेवोल्यूशन ये लेकर आए। तो ना जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे ना, उन्होंने इनका नाम प्रपोज किया कि इनको अभी फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया जाए, तो वैसा ही हुआ, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पे शपथ ली मोहम्मद यूनिस ने। देखो अब हो क्या रहा है, शेख हसीना तो जा चुकी हैं, लेकिन वायलेंस अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है बांग्लादेश में। तो इनका ना पहला अपील यही था जनता से कि आप वायलेंस मत कीजिए, खास करके देखो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं ना उनकी संख्या अच्छी खासी है, और ट्विटर पे सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं मंदिर को जलाते हुए की, या फिर किसी हिंदू घर जलाते हुए की, ऐसी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, तो उसमें हिंदू माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसके अलावा अहमदीज एक माइनॉरिटी सेक्ट है इस्लाम में, उनकी सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, इनके अनुसार कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना माइनॉरिटीज़ के घर जलाए गए, उनकी दुकानें लूटी गई, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
इवन देखो अवामी लीग जिस पार्टी की शेख हसीना थी ना, उनके ऑफिसेज को भी जलाया जा रहा है और कई सारे अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो मारे गए हैं। चूंकि देखो शेख हसीना के जाने के बाद बेशक अभी शपथ ले ली है इंटरिम गवर्नमेंट ने, बट सड़कों पे ना आपको प्रशासन नहीं दिखेगा, सड़कों पे जो पुलिस फंक्शनरीज हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है। देखो बात ये है ना, शेख हसीना थी तो डर था लोगों में, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है, उसी डर का कुछ लोगों के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, मतलब डर नहीं है प्रशासन का तो ऐसी सिचुएशन में फायदा उठाया जा रहा है कुछ ग्रुप्स के द्वारा, जैसे जमात इस्लाम है एक मेजोरिटोरियन इस्लामिक ग्रुप है। अब इनके तो हाथ जो है ना वो खून से रंगे हैं पहले भी, मतलब इन पे आरोप लगा है पॉलिटिकल वायलेंस का, रिलीजन के नाम पे वायलेंस का पास्ट में भी, लेकिन शेख हसीना जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने इस ग्रुप पर लगाम लगा दी थी। लेकिन अब चूंकि देखो इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, तो इस ग्रुप के लोगों को फिर से मौका मिल गया है रिलीजियस परसिक्यूशन का। इसके अलावा देखो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर के पास में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये इंश्योर किया जाए कि आर्मी अपनी बैरक में फिर से चली जाए, क्योंकि ना बांग्लादेश में आर्मी का एक इतिहास रहा है इंटरफेरेंस का। 1990 में मुश्किल से डिक्टेटरशिप, मिलिट्री की डिक्टेटरशिप खत्म हुई थी बांग्लादेश में, लेकिन अब एक बार फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप ना इस्टाब्लिश हो जाए ये इंश्योर करना होगा इंटरिम गवर्नमेंट को, और ये तब इंश्योर होगा जब जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस करवाए जाएं। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होंगे ना तो लेजिटिमेसी आएगी नई सरकार को, नई सरकार को लेजिटिमेसी आएगी, तब वो मजबूत गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होगी, तब जाके पीस आ पाएगी। देखो इतिहास हमें ये बताता है, जैसे लीबिया मान लीजिए, गद्दाफी रूल कर रहे थे, क्रूर शासक थे, बेशक डिक्टेटर थे, अमेरिका ने उनको मार गिराया, लेकिन उसके बाद से लीबिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आप इराक का एग्जांपल ले लीजिए, सद्दाम हुसैन देखो क्रूर शासक थे, बहुत से निर्दोष लोगों को उन्होंने मरवाया, लेकिन एक चीज़ है, सद्दाम हुसैन के कार्यकाल में इराक स्ट्रोंग था, इराक में रिलेटिव पीस थी। जब से सद्दाम हुसैन को मारा गया है तब से लेके अभी तक ईरान बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ग्रुप्स में बटा हुआ है, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है बल्कि, और उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के इस्लामिक स्टेट ने भी कब्जा कर लिया था कुछ सिटीज़ पे 2014 में। तो मतलब जब जब देखो कोई इम्पोर्टेंट पावर वाला पर्सन जाता है ना, उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जल्दी से वो वैक्यूम फिल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो देश देखो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, इतिहास हमें यही बताता है। अब वो क्या हो सकता है, कौन वैक्यूम फिल कर सकता है, डिपेंड करता है बांग्लादेश में क्या होगा। लेकिन देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि माइनॉरिटीज़ का, किसी भी माइनॉरिटी का, ना सिर्फ हिंदू का, वहाँ पे सिख रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, माइनॉरिटीज़ के का प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, और इसके लिए भारत सरकार प्रयास करे, भारत सरकार बोल भी रही है, हमने बांग्लादेश में बातचीत के चैनल्स ओपन रखे हुए हैं, मिलिट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ हम टच में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा वहाँ पर इंश्योर रहे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है एग्रीकल्चर सब्सिडी से संबंधित, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताने हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।